नमस्कार, गया बोधिया से राजेश कुमार। आज पूरे भारत बंद और किसानों को समर्थन में बिहार के विपक्षी दल भी एकजुट हो गए हैं। हम गया जिला के बोधिया में खड़े हैं। ये गया डोभी कोलकाता दिल्ली का मुख्य मार्ग है, ये सीधे सड़के ही है। हम आपको दिखा दें कि स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं राजद के, उनके द्वारा भारत बंद के समर्थन में झंडा लेकर सुबह से उतरे हैं और थोड़ी बहुत जो गाड़ियां चल रही थी उसको कंप्लीट बंद करवा दिया गया है। धीरे धीरे समर्थक अब सड़कों पर उतरने लगे हैं और आज जो समर्थन विपक्षी एकजुट होने का एक अहम जो लड़ाई है, क्योंकि बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव संपन्न के बाद ये पहली बार राज्य में बंदी है। और बिहार बंदी में हम आपको दिखा दें कि ये बोधिया की वो सड़क है और बोधिया विधानसभा के विधायक कुमार सरजीत है, लेकिन उनके तरफ से कोई बेहतर कदम नहीं उठाया गया है। बोधिया के विधायक के द्वारा कोई उनका खास लोग सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं बोधिया के विधायक उनके जो समर्थक है वो अभी तक सड़कों पर कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। और ये गया का जो सड़क हम आपको दिखा देते हैं कि गया का जो सड़क है इस पर ट्रैफिक थाना भी है और पुलिस पदाधिकारी छिटपुट नज़र आ रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ चल रही है। तो ये दो सवाल है कि पूरे गया जिला में बिहार बंद को लेकर के चक्का जाम है, तो बोधिया के विधायक का क्षेत्र में गाड़ियाँ चलती दिख रही है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, पर्यटकों का यहाँ आवागमन होता है, लेकिन कोरोना काल के लॉकडाउन में पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन छोटे भैया कार्यकर्ता आरजेडी का जो है, छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा ये पहल की जा रही है, उनके द्वारा बंद करवाया गया है सड़क को, बाजारों को बंद करवाया जा रहा है, लेकिन बड़े नेता बोधिया के सड़कों पर एक भी नहीं दिख रही है। जबकि गया जिला के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के इलाके में बंदी का जोरदार असर मिल रही है। मैं गया बोधिया से राजेश कुमार। आज पूरे देश भर में बंद का आह्वान किया गया है, तमाम गठबंधन, तमाम वाम दलों की ओर से। जो किसान विरोधी कानून हमारा सरकार जो पारित किए हैं, जो काला कानून है वो आपस नहीं लेंगे, तो हम लोग रोड पर उतरने के काम किया है। और इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि जब तक आपस न लेंगे, हम लोग जन क्रांति के माध्यम से लोगों के बीच लेके हम जनता के बीच जाकर और इस सरकार के विरोध में हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो भी कदम उठाना होगा हम तमाम वामपंथी और महागठबंधन की ओर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम सरकार से आह्वान करते हैं कि काला कानून, किसान विरोधी जो काला कानून है उसको वापस ले। जब तक वापस न लेंगे हम आंदोलन खत्म करने की बात नहीं करेंगे।